अब रुक करते हैं शिमला की ओर। बजट सत्र से पहले कांग्रेस नेता मुकेश का तीखा हमला, हिमाचल को सरकार ने थाईलैंड बना दिया है। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी को शुरू हो रहा है। बजट सत्र से पहले ही विधायक दल की एक बैठक होगी और बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम को 7 बजे पीटर हॉफ में होगी, जबकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम को ही होटल हॉलीडे होम में होगी। सत्र से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सरकार पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही में कैबिनेट बैठक में शराब को सस्ती करने का फैसला सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि और इस फैसले को लेकर विपक्ष सदन के भीतर ही इस मुद्दे पर सरकार को घेरने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश का थाईलैंड बना दिया है, अब उन और कामों को भी शुरू कर दो जो कि थाईलैंड में होते आए हैं। उन्होंने कहा कि शराब सस्ती करने से टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। आपको याद होगा कि सरकार ने यह हवाला दिया था कि शराब सस्ती इसलिए की जा रही है क्योंकि इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, दूसरे राज्यों के लोग भी हिमाचल आना पसंद करेंगे। साथ ही स्टेट का पहला ही कॉन्सेप्ट है कि संविधान के मुताबिक शराबबंदी की तरफ बढ़ना है, और पहले हमारे ऊपर उंगली उठाते थे कि शराब के फ्रेश टेंडर्स नहीं करते हैं और यूं ही रेट इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन अब शराब माफिया के कहने पर कुछ इंक्रीज दे दिया है और दूसरे रास्ते उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। टोल में भी इंक्रीज किया है लेकिन फ्रेश टेंडर्स नहीं दिए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा है कि यह सरकार चलाने का तौर तरीका नहीं है। रात के 12 बजे से 2 बजे तक शराब पीने के रास्ते खोल दिए हैं। हाईकोर्ट कहता है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेंगे और दूसरी तरफ शराब के ठेकों पर 12 से 2 बजे तक भड़ंगे पड़ेंगे। साथ ही सरकार को तौर तरीके अब और ज्यादा महंगे पड़ेंगे।